ओके ए आई ट्रिपल ई टू थाउजेंड टू क्वेश्चन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विच ऑफ दी चेंजेस तो हमें मालूम है मोलालिटी लिटी मीन्स नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इन के जी टेम्परेचर चेंज होने से नंबर ऑफ मॉल सॉल्यूट के भी चेंज नहीं होंगे मास भी चेंज नहीं होगा दैट मीन्स ये तो नहीं होने वाला है वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वेट फ्रैक्शन मीन्स वो भी है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन तो उसमें भी दोनों दोनों वेट है मतलब मास है दैट मीन्स ये भी चेंज नहीं होने वाला है मोलारीटी जो है दैट इज मोलारीटी इज नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सॉल्यूट ठीक है नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर और टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है दैट मींस मोलारिटी भी चेंज होगा इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा मोलारिटी होगा ऑप्शन सी क्योंकि मॉल फ्रैक्शन जो होता है वो भी चेंज नहीं होता है मॉल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मॉल्स Of the solute by total number of moles of solute plus solvent, that means option C is correct. Thank you.